हेलो फ्रेंड्स, दिस इज प्राची। वेलकम टू माय चैनल क्रिएटिव फूड लैब। आज हम बनाने जा रहे हैं मार्केट जैसी डार्क फैंटेसी बिस्किट चॉकलेट फिल्ड कुकीज। बच्चों को चॉकलेट बहुत ही पसंद होती है, तो बच्चों की पसंद आएगी ही आएगी, बड़ों को कुकीज का टेस्ट भी बहुत पसंद आएगा। अगर आपके घर माइक्रोवेव या ओवन नहीं है, फिर भी आप बड़ी आसानी से इन कुकीज को अपने घर पर बना सकते हैं। आज मैं आपको ओवन और गैस स्टोव दोनों पर कुकीज बनाना बताऊंगी। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज लाइक माय वीडियो एंड सब्सक्राइब माय चैनल। तो चलिए हम बनाना स्टार्ट करते हैं चॉकलेट कुकीज। मैंने डार्क कंपाउंड चॉकलेट ली है, आप कोई भी चॉकलेट ले सकते हैं। ये लगभग 100 ग्राम है। हम एक पैन लेंगे और इसमें चॉकलेट को डाल देंगे। अब हम इसमें डालेंगे 1 टेबल स्पून मिल्क। हमें चॉकलेट को मेल्ट करना है, हम इसे कंटिन्यू हिलाते रहेंगे जिससे ये पैन में चिपके नहीं। 1 मिनट बाद लगभग हमारी चॉकलेट अच्छी तरह से मेल्ट हो जाएगी। देखिए हमारी चॉकलेट मेल्ट हो गई है। अब हम इसे एक कटोरे में निकाल लेंगे। अब हम इसे थोड़ी देर के लिए फ्रिज में रखेंगे जिससे जो हमारी चॉकलेट है वो अच्छी तरह से सेट हो जाए। अब हम एक बाउल लेंगे, उसमें 1/4 कप बटर डालेंगे। आप बटर की जगह घी का भी यूज़ कर सकते हैं। इसे अच्छी तरह से फेंटेंगे जिससे ये सॉफ्ट हो जाए। अब हम इसमें डालेंगे 1/2 कप शक्कर। मैंने यहाँ पिसी हुई शक्कर का यूज़ किया है। आप इसे फिर अच्छी तरह से मिलाएं। हमें इसका क्रीमी टेक्सचर चाहिए। आप देख सकते हैं हमारा शक्कर और बटर अच्छी तरह से मिक्स हो गया है। अब हम इसमें डालेंगे 1 टेबल स्पून कोको पाउडर, 1/2 टीस्पून चॉकलेट एसेंस और 1/2 टीस्पून वेनिला एसेंस, 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर, 1/4 टीस्पून बेकिंग सोडा। उसमें डालेंगे 1 टेबल स्पून मिल्क जिससे अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। देखिए अच्छी तरह से मिक्स हो गया है, स्मूथ टेक्सचर रेडी है। अब इसमें ऐड करेंगे 1 कप मैदा। आप मैदे को धीरे धीरे करके डालें, एक साथ ना डालें। और हमें इसका एक सॉफ्ट डो रेडी करना है, आटे की तरह बिल्कुल सॉफ्ट डो। अभी ये बहुत ज़्यादा थिक है तो इसे मिक्स करने में प्रॉब्लम आ रही है, तो हम इसमें डालेंगे 1 टेबल स्पून मिल्क जिससे अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। आप इसे हाथों से भी गूंथ सकते हैं। अगर आपको लगे कि डो गीला सा हो गया है तो आप इसमें 1 टेबल स्पून मैदा ऐड कर लीजिए, फिर आपका परफेक्ट डो बनेगा। हमारा डो बनकर रेडी है। हमने जो अपनी चॉकलेट फ्रिज में रखी थी वो अब जम चुकी है। अब हम इसकी छोटी छोटी गोलियां बना लेंगे। इसी तरह से आप बाकी सारी गोलियां बना लें और उन्हें प्लेट में रखते जाएं। हमारी सारी गोली बन चुकी है। अब हम अपना डो लेंगे और इसमें से छोटी सी लोई निकालेंगे। हमें रोटी के साइज़ की लगभग लेना है, या आप जितना बड़ा बिस्किट बनाना चाहें उतनी बड़ी भी ले सकते हैं। इसे हाथों से दबाकर इसे पतला कर लें और एक चॉकलेट का पीस लें, उसे सेंटर में रखें और इसे इस तरह से बंद करें। वापस इसको अच्छे से पैक करें, गोल करें और बिस्किट का शेप देने के लिए हम इसे दोनों हाथों के बीच में रखकर दबाएंगे। देखिए इस तरह से अभी बिस्किट की तरह हो गया है। इसी प्रोसेस को फॉलो करते हुए बाकी सारे बिस्किट रेडी करेंगे। देखिए मैंने सारे बिस्किट बना लिए हैं और इसे बेकिंग ट्रे में रख रही हूँ। हम OTG को 180 डिग्री सेंटीग्रेड पर रीहीट करेंगे। मैंने एक स्टील की प्लेट ली है, उस पर एल्यूमिनियम फॉइल लगा दी है, उसको चारों तरफ से अच्छी तरह से पैक कर दिया है।
इसका यूज़ हम कढ़ाई में बेक करते हुए टाइम करेंगे। अब हम एक कढ़ाई लेंगे, उसमें कोई रिंग या स्टैंड रख दीजिए और उसे ढक्कन से ढककर गरम करते हैं। अब हम अपने बिस्किट को ओटीजी में रखेंगे, दोनों रॉड को ऑन करकर 180 डिग्री सेंटीग्रेड पर बेक करेंगे। हमारी कढ़ाई भी गर्म हो चुकी है, अब हम इसमें अपने बिस्किट रखेंगे और उन्हें 20 से 25 मिनट लो टू मीडियम फ्लेम पर बेक करेंगे। 25 मिनट बाद हम चेक करेंगे, अगर आपको कुकीज़ ऊपर से छूने में सॉफ्ट लगती हैं तो आप उन्हें थोड़ी देर के लिए बाहर रख दीजिए, वो अपने आप हार्ड हो जाएंगी। हमारी कुकीज़ अच्छी तरह से बेक हो गई हैं, ओटीजी वाली कुकीज़ भी अच्छी तरह से बेक हो गई हैं, आप देख सकते हैं। हमारी चॉकलेट से भरी हुई कुकीज़ अब तैयार हैं। मैं आपको एक कुकी को तोड़ के दिखाती हूँ, देखिए इसमें से किस तरह से चॉकलेट निकल रही है। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक माई वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।